हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल अंडरस्टैंड क्लास 5 सोशल साइंस चैप्टर 17 महाराणा प्रताप. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द लाइफ ऑफ महाराणा प्रताप एंड द बैटल ऑफ हल्दीघाटी. लेट्स बिगिन द चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ महाराणा. महाराणा मीन्स किंग ऑफ किंग्स. लेट्स बिगिन द चैप्टर. Do you know what is shown in this picture? It shows Kumbhalgarh, a fort in Rajasthan. It is the birthplace of Maharana Pratap Singh, one of the greatest kings of Rajasthan. Children, this picture is the fort of Kumbhalgarh. This Kumbhalgarh fort is located in Rajasthan, and the Kumbhalgarh fort is the birthplace of Maharana Pratap. And Maharana Pratap was one of the greatest kings of the Rajasthan, and he was very famous for his bravery. During the time of Mughals, Rajasthan was divided into many small kingdoms. When Mughals came into India near about in 1526, that time Rajasthan was divided into many small kingdoms. Each kingdom was ruled by a family of Rajput kings. एंड हर एक किंगडम में राजपूत किंग्स रूल करते थे. वहाँ पर राजस्थान में उस टाइम डिफरेंट किंगडम्स थे, और हर एक किंगडम का एक सेपरेट किंग होता था. एंड हेयर राजपूत मीन्स सन ऑफ किंग. राजपूत मीन्स सन ऑफ अ किंग. महाराणा प्रताप रूल्ड ओवर द किंगडम ऑफ मेवार, एंड महाराणा प्रताप वॉज द किंग ऑफ मेवार. हुज किंग्स वर गिवन द टाइटल राणा और महाराणा. एंड उस टाइम जो किंगडम के किंग होते थे उनको टाइटल राणा या महाराणा उनको बोला जाता था. डू यू नो चिल्ड्रन, राजस्थान वॉज अर्लियर नोन एज राजपुताना. राजस्थान अर्लियर नेम वॉज राजपुताना. इट मीन्स द लैंड ऑफ राजपूत. राजपुताना मीन्स द लैंड ऑफ राजपूत. प्रताप अर्ली लाइफ. Pratap Singh was the son of Maharana Uday Singh II and Rani Jayavanta Bai of Mewar. Pratap Singh's father was Maharana Jai Singh Uday Singh II, and his mother was Rani Jayavanta Bai from Mewar. As a young prince, he was taught how to ride a horse and how to use weapons in battle. Battle means Yudh Kshetra, Ranbhumi, you can say. So when Maharana Pratap very young, he was taught how to ride a horse and how to use weapons. Weapons means हथियार. उनको हथियार चलाना भी सिखाया गया. When Pratap was still a young man, the Mughal Emperor Akbar attacked Mewar's capital Chittor. जब महाराणा प्रताप बहुत छोटे थे तो मुगल एम्परर अकबर ने मेवार की कैपिटल चित्तौड़ पर अटैक कर दिया. The huge Mughal army surrounded the fort Chittorgarh. मुगल आर्मी जो बहुत बड़ी थी उन्होंने चित्तौड़गढ़ को पूरा घेर लिया, सराउंडेड कर लिया. उदय सिंह मूव्ड हिज फैमिली आउट ऑफ द फोर्ट. उदय सिंह अपनी फैमिली को लेकर फोर्ट से बाहर चले गए. आफ्टर कीपिंग द फोर्ट सराउंडेड फॉर अ फ्यू ईयर्स द मुगल्स फाइनली कैप्चर्ड इट. एंड काफ़ी सालों तक फोर्ट को घेरने के बाद मुगल्स ने लास्ट में चित्तौड़ को कैप्चर कर लिया, उसको अपने अंडर में ले लिया. उदयपुर सिटी उदय सिंह हैड फाउंडेड अर्लियर बिकेम द न्यू कैपिटल ऑफ मेवाड़. नाउ उदयपुर वॉज अ सिटी फाउंडेड बाय उदय सिंह. ओके, नाउ द मेवाड़ न्यू कैपिटल बिकेम उदयपुर. ओके, मेवाड़ न्यू कैपिटल बिकेम उदयपुर. नाउ प्रताप becomes the Maharana. Pratap became the Maharana of Mewar after his father's death. Maharana Pratap Mewar ka raja ban gaya jab unke father ki death hui. The battles with the Mughals had made the kingdom weak. Mughals ke saath fight karte karte Maharana Pratap ka jo kingdom tha wo weak ban gaya tha. The Mughals had even lost Chittor. Sorry, the Rajputs had even lost Chittor. Aur Rajputs ne चित्तौड़ को भी लॉस्ट कर दिया था. वो छिन गया था. इट मीन्स जो चित्तौड़ था वो
मुगल्स के कंट्रोल में आ चुका था, बट मैनी पार्ट्स ऑफ मेवार वर स्टिल अंडर महाराणा प्रताप्स कंट्रोल, परंतु अभी भी मेवाड़ का कुछ पार्ट महाराणा प्रताप के कंट्रोल में था। सम राजपूत किंग्स हैड एक्सेप्टेड अकबर एज अ रूलर, और जब उस टाइम पे राजस्थान में आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि राजस्थान में भी बहुत सारे राजपूत किंग्स थे, तो उन सब ने अकबर को अपना रूलर एक्सेप्ट कर लिया था। ओके, दे वर अलाउड टू कीप देयर किंगडम्स बट हैड टू पे टैक्सेस टू द मुगल एम्परर। कैसे करते थे उस टाइम पे, जो किंग होता था वो पूरे जो किसी भी एम्पायर को जीत लेता था उसका किंग बन जाता था, बट जो मुगल एम्परर थे उन्होंने किंगडम्स राजपूत से उनको उनका किंगडम जीतने के बाद वापस कर दिया, उसके बदले में मुगल एम्परर उनसे टैक्स लेते थे। ओके, मुगल एम्परर जब किसी भी किंगडम को जीत लेते थे तो उसको वो वापस कर देते थे और उसके बदले में वो किंग से टैक्स लेते थे। दे ऑल्सो हैड टू सपोर्ट द मुगल्स ड्यूरिंग वॉर्स, और वो मुगल्स उन किंग्स को मुगल्स को वॉर के टाइम में भी उनको सपोर्ट करना पड़ता था, उनकी हेल्प करनी पड़ती थी। अकबर वांटेड महाराणा प्रताप टू कम अंडर हिज कंट्रोल, अकबर भी महाराणा प्रताप को चाहता था कि वो भी उसके कंट्रोल में आ जाए, बट द ब्रेव किंग डिसाइडेड टू फाइट टू कीप हिज किंगडम फ्री फ्रॉम अकबर्स कंट्रोल। बट ब्रेव महाराणा प्रताप ने डिसाइड किया कि वो अकबर को उसका किंगडम का कंट्रोल नहीं देगा, इसके प्लेस पे वो उससे फाइट करेगा। महाराणा प्रताप द ब्रेव वॉरियर, वॉरियर मीन्स फाइटर। महाराणा प्रताप वॉज डिटरमिन्ड टू रिकैप्चर चित्तौड़, डिटरमिन्ड मीन्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग टू डू समथिंग। महाराणा प्रताप चित्तौड़ को रिकैप्चर मीन्स वापस लेने के लिए डिटरमिन्ड थे। ही न्यू इट वुड नॉट बी ईजी, ही न्यू वेरी वेल दैट रिकैप्चरिंग चित्तौड़ विल बी नॉट अ ईजी टास्क। He did not have enough money to take care of his soldiers, as Mewar's wealth had already been spent in fighting war against the Mughals. Although Maharana Pratap ke paas zyada money nahi thi, wealth nahi tha, ki wo apne soldiers ki dekhbhal unko take care kar sake, unke liye weapons etc. khareed sake, kyunki Mewar ki jo dhan dholat thi, wealth thi, wo pehle hi मुगल्स की फाइटिंग, मुगल्स के साथ वॉर करने में या फाइटिंग करने में वो स्पेंट हो चुकी थी। बट ही डिड नॉट लूज होप, बट महाराणा प्रताप ने होप लूज नहीं की। ही वोड दैट ही वुड नॉट लीव अ लाइफ ऑफ कम्फर्ट अंटिल ही हैड वॉन बैक चित्तौड़। वोड मीन्स प्लेज और प्रॉमिस। उन्होंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि वो जब तक कि चित्तौड़ को वापस नहीं पा लेते, मुगल्स के कंट्रोल से वापस नहीं ले लेते, वो अपने कंफर्ट की लाइफ को नहीं जिएंगे, कंफर्ट लाइफ उन्होंने छोड़ दी। ही एट ऑन लीफ प्लेट्स, स्लैप्ड ऑन द बेड ऑफ स्ट्रॉ एंड लिव्ड इन अ मड हट लाइक ही सोल्जर्स। उन्होंने लीफ प्लेट्स, पत्तों की प्लेट बनाकर उस पर खाना शुरू किया, और स्ट्रॉ के बेड पर तिनकों का घास फूस को बेड बनाकर उस पर सोने लगे, एंड मड हट में उन्होंने वो रहने लगे जैसे कि उनके सोल्जर्स रहते थे। द राजपूत सोल्जर्स वर लॉयल टू देयर किंग, और जो राजपूत सोल्जर्स थे वो अपने किंग के लिए लॉयल थे, वो उनके लिए वफादार थे, उनके बहुत डेडिकेटेड थे। द भील ट्राइबल्स हु लिव्ड इन द अरावली हिल्स अराउंड मेवार वर वेरी गुड आर्चर्स। जो भील ट्राइब्स एक ट्राइबल्स के जो ट्राइब्स होते हैं आदिवासी, उनकी एक भील ट्राइब का नेम है, ट्राइब्स का नेम है भील, जो कि अरावली हिल्स पर रहते थे मेवार के नियर। ठीक है, भील ट्राइब अरावली हिल्स पर मेवार के आसपास रहते थे। वो बहुत अच्छे आर्चर्स थे। आर्चर मीन्स तीरंदाज, अ पर्सन हु शूट्स एरो विद अ बो, जिन्हें बहुत अच्छा तीर कमान चलाना आता है। दे ऑल्सो हेल्प द महाराणा इन हिज फाइट्स अगेंस्ट द मुगल्स, और उन्होंने महाराणा प्रताप मुगल्स के अगेंस्ट फाइट में महाराणा प्रताप की हेल्प की। किन्होंने? भील ट्राइब ने मुगल्स की अगेंस्ट महाराणा प्रताप की हेल्प की। द बैटल ऑफ हल्दीघाटी, एज महाराणा प्रताप रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल कंट्रोल, अकबर सेंट अ ह्यूज आर्मी टू फाइट हिम। क्योंकि महाराणा प्रताप ने
अकबर का कंट्रोल एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि वो उसको सरेंडर नहीं करेगा, तो अकबर ने उसके अगेंस्ट में अपनी ह्यूज आर्मी को उसके फाइट करने के लिए भेज दिया। देर वॉज अ बैटल एट हल्दी घाटी। हल्दी घाटी इज़ अ प्लेस हेयर, इट इज़ इन राजस्थान। हल्दी घाटी एक प्लेस है जहाँ पर बैटल हुई, कहाँ किसकी, अकबर की आर्मी और महाराणा प्रताप की आर्मी के बीच। द स्मॉल बट ब्रेव राजपूत आर्मी फॉट फियर्सली अगेंस्ट द मच लार्ज आर्मी ऑफ द मुगल्स। राजपूत की क्योंकि पहले ही बहुत स्मॉल आर्मी बची थी उनके पास, तो स्मॉल होते हुए भी वो बहुत ब्रेवली फाइट किया, वॉयलेंटली, फियर्सली मीन्स वॉयलेंटली या पावरफुल वे, ओके, किसके लिए, मुगल्स के साथ उन्होंने बहुत ब्रेवली फाइट किया। When the Rajputs saw that they could not defeat the Mughals, they decided to save their king instead. जब राजपूत ने देखा कि वो मुगल्स क्यों आर्मी को नहीं डिफीट कर सकते, क्योंकि बिकॉज मुगल आर्मी वॉज वेरी बिग, वेरी ह्यूज आर्मी इट वॉज, तो उन्होंने अपने किंग को सेव करने का डिसाइड किया। कैसे किया उन्होंने किंग को सेव, महाराणा प्रताप को? महाराणा प्रताप एस्केप्ड ऑन हिज हॉर्स चेतक। महाराणा प्रताप अपने हॉर्स चेतक पर बैठकर वहां से हल्दी घाटी से चले गए, उस बैटल फील्ड से चले गए। चिल्ड्रन हेयर चेतक वॉज द वेरी रॉयल, सॉरी, लॉयल हॉर्स ऑफ द महाराणा प्रताप। आपने उनके बारे में भी सुना होगा, ठीक है, एंड ही वॉज वेरी ब्रेव हॉर्स। चेतक वॉज वॉन्डेड इन बैटल एंड डाइड सून, बट नॉट बिफोर ही हैड कैरिड हिज मास्टर टू सेफली। चेतक बैटल में ही युद्ध के मैदान में वॉन्डेड हो गया, घायल हो गया और जल्द ही मर गया, ठीक है। बट उससे पहले उन्होंने क्या किया, चेतक ने वो अपने मास्टर को, मास्टर मीन्स हेयर महाराणा प्रताप को, सेफली, सुरक्षित पूरा कहाँ पर, सेफ प्लेस पे ले गया। ही इज स्टिल रिमेम्बर्ड फॉर हिज ब्रेवरी एंड लॉयल्टी। अब चेतक को अभी भी लोग उसकी ब्रेवरी के लिए, बहादुरी के लिए और लॉयल्टी के लिए अभी भी याद करते हैं। सी चिल्ड्रन, दिस इज द सीन ऑफ बैटल फील्ड एट हल्दी घाटी, एंड द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज हेल्ड इन 1576 बिटवीन अकबर एंड महाराणा प्रताप, ओके। नाउ द डेथ ऑफ महाराणा प्रताप, हाउ महाराणा प्रताप वॉज डाइड। आफ्टर द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप लिव्ड इन द फॉरेस्ट ऑफ अरावली हिल्स। हल्दी घाटी की बैटल के बाद महाराणा प्रताप अरावली हिल्स के फॉरेस्ट में रहने लगे। अरावली हिल्स आर ऑल्सो लोकेटेड इन राजस्थान। ही प्रिपेयर्ड हिज सोल्जर्स टू फाइट अगेन। उन्होंने अपने सोल्जर्स को दोबारा से फाइट करने के लिए प्रिपेयर किया, तैयार किया। फ्रॉम द हिल्स ही अटैक्ड द मुगल्स आर्मी मैनी टाइम्स। और अरावली हिल से ही उन्होंने मुगल आर्मी पर बहुत बार अटैक भी किया। ही वॉज एबल टू विन बैक मोस्ट ऑफ हिज किंगडम बट नॉट चित्तौड़। अब महाराणा प्रताप ने उस अपने किंगडम का कुछ पार्ट वापस ले लिया, बट चित्तौड़ को वो नहीं ले पाए। महाराणा प्रताप डाइड आफ्टर ही वॉज हर्ट इन अ हंटिंग एक्सीडेंट। और लास्ट में महाराणा प्रताप किसी हंटिंग एक्सीडेंट में, जब वो शिकार कर रहे थे, तो वो हर्ट, घायल होकर उनकी डेथ हो गई। दो हिज ड्रीम ऑफ रिकैप्चरिंग चित्तौड़ रिमेंट अनफुलफिल्ड, स्टोरीज ऑफ हिज ब्रेवरी आर स्टिल टोल्ड। वैसे तो महाराणा प्रताप का ड्रीम था जो चित्तौड़ को वापस लेने का मुगल से, वो पूरा नहीं हो पाया, इट वॉज अनफुलफिल्ड, बट महाराणा प्रताप की ब्रेवरी की जो स्टोरी है उसे आज भी हम याद करते हैं और उसको पढ़ा जाता है। सो चिल्ड्रन, दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ योर SST। प्लीज़ लिसन दिस वीडियो 2-3 टाइम्स वेरी केयरफुली, एंड आफ्टर दैट रीड द चैप्टर। थैंक यू, टेक केयर।